हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। मैं शालिनी गोयल आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ अच्छा लेकर आएँ जिससे आपको नॉलेज मिले और एजुकेशन में भी आपकी हेल्प हो और आप हम सबसे जुड़े रहें। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, घंटों घंटों किताबें लेकर बैठे रहते हैं लेकिन लर्न नहीं होता, दिमाग इधर उधर भटकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, किताब खोलते ही नींद आने लगती है, बड़े बड़े आंसर्स लर्न नहीं होते एट्सेट्रा, तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ 3 वेज फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग। चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट इज टाइम। डेफिनेट टाइम होना चाहिए आपकी स्टडी के लिए, प्लान स्पेसिफिक टाइम्स फॉर स्टडिंग कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है इस समय मुझे, और अकेले में एकांत में पढ़िए। ये नहीं कि वहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं, अपने आपस में बात कर रहे हैं, फिर आपका दिमाग भटक रहा है। वहाँ कान आपके वहाँ हैं, दिमाग भी वहाँ है लेकिन आइज आपकी बुक में है, तो ऐसे आपको कुछ भी लर्न नहीं होगा, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो एकदम स्पेसिफिक टाइम कि मुझे इस टाइम पढ़ना है। ट्राई टू स्टडी एट द सेम टाइम्स ईच डे। एक डेफिनेट टाइम बनाइए कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, तो डेली आपको उस टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। फिर क्या करेंगे होगा इससे कि जैसे कि आपने अपना टाइम शेड्यूल बनाया कि मुझे 4 से 5 पढ़ना है डे में, या नाइट में पढ़ना है मुझे 9 to 11, या जो भी आपने टाइम अपना बनाया डेफिनेट टाइम, तो फिर क्या होता है कि उस वक्त आपको फिर खुद लगेगा कुछ टाइम बाद कि मुझे इस टाइम पढ़ना है। तो आपको एक डेफिनेट टाइम बनाना है सेम टाइम ईच डे कि मुझे इस टाइम स्टडी करनी है। ट्राई नॉट टू डू टू मच स्टडी एट वन टाइम। एक बार में आप सिर्फ 1 घंटा ही पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं। 1 घंटे के बाद आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, इधर उधर आप घूम आए, टहल आए, थोड़ा आराम से बैठ गए रेस्ट में, फिर आप फिर से स्टडी कर लीजिए। लेकिन एकदम से आप बुक में बैठे रहेंगे 3 घंटे 4 घंटे तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा कुछ, क्योंकि ब्रेन को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो 1-1 घंटा आप पढ़िए, फिर 5-10 मिनट का गैप लीजिए, फिर पढ़िए। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करें तो बेनिफिशियल होगा। सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर योर स्टडी टाइम। स्पेसिफिक गोल यानी कि जैसे कि आपने टाइम सेट किया अपना 4 to 5, तो ये देखना है आपको कि 4 to 5 जैसे मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मुझे इस टाइम में ये लर्न करना है, मुझे आज इतना काम इस टाइम में कंप्लीट करना ही करना है। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग रहा है, 5 मिनट 10 मिनट या थोड़ा और टाइम लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे आज ये चीज़ वर्क कंप्लीट करना ही करना है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा और उस टाइम में आप अपना कुछ गोल भी आप यानी कि आपने जो तय किया है कि मुझे इतना पढ़ना है तो वो आप पढ़ेंगे भी। ये हुआ हमारा टाइम की बात। फिर आता है प्लेस। ट्राई टू स्टडी एट द सेम प्लेस। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोगों के का स्टडी रूम होता है कि हम यहीं पर पढ़ते हैं, स्टडी रूम है ही हमारा, और कुछ कहीं भी पढ़ने बैठ गए, ड्राइंग रूम में मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं, बैठ गए बच्चे बुक खोल कर, मम्मी ने कहा कि बेटा पढ़ लिया कर थोड़ा सा, हर वक्त खेलना कूदना, तो किताब खोल कर बैठ गए सामने मम्मी को दिखाने के लिए, पापा को दिखाने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, उसके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो दिखाने के लिए ही पढ़ रहे हैं। इस तरीके से नहीं पढ़ना है। एक आपको स्पेसिफिक प्लेस भी बनाना है, सेम प्लेस फॉर स्टडी, जैसे कि आप कहीं भी पढ़ते हैं, अपने बेडरूम में भी आपने जैसे टेबल चेयर लगा ली है स्टडी के लिए, तो आप वहीं पर बैठकर पढ़िए, डेली आप एक ही जगह पर पढ़िए सेम प्लेस पर। फिर क्या होता है कि हमें फीलिंग आने लगती है, हम वहाँ पर बैठते हैं पढ़ाई की ही फीलिंग आती है हमें, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा।
हमेशा स्ट्रेट बैठकर टेबल चेयर पर ही आप अच्छे से स्ट्रेट होकर पढ़िए, ऐसे नहीं कि आप जैसे बेड पर लेट गए, आराम से लेट के पढ़ रहे हैं, दीवार से सट के बैठ गए, फिर नींद आ रही है, तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है आपको। ऐसे पढ़ेंगे तो नींद आएगी आएगी भाई, बेड सोने के लिए होता है तो नींद आएगी आएगी। तो हमेशा टेबल चेयर पर स्ट्रेट बैठ कर तभी आप पढ़ें, तो देखिए आपको कितने अच्छे से आपकी इफेक्टिव स्टडी होती है। थर्ड, नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में समझकर आपको चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। रीड किया, फिर अच्छे से माइंड में सोचा, बंद कर दी बुक, फिर हमने क्या क्या पढ़ा उसमें अपनी लैंग्वेज में हमने लिख लिया। इससे क्या होता है कि जल्दी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें चैप्टर समझ में आ जाता है और लर्न भी हो जाता है। चैप्टर को देखा, अच्छे से रीड किया, समझा, फिर बुक को बंद करके अपनी लैंग्वेज में आपने लिख कर देख लिया, तो ये आपके क्या हो गए, नोट्स आपके अपनी लैंग्वेज में तैयार हो गए। अगर ये तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए हो गया कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी इस तरीके से ही पढ़े, समझे, फिर हमने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। अब एक है मेथड SQ एंड RQ मेथड, यानी कि स्ट्रेट क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन। छोटे छोटे आंसर्स, जैसे कि हम बिटवीन भी लर्न करते हैं, बिटवीन चैप्टर आता है बच्चों के स्कूल में, या फिर वन वर्ड होते हैं, या फिर MCQs होते हैं, तो इन सब में टेक्निक बहुत अच्छे से अप्लाई हो सकती है, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको, कुछ एग्जांपल जैसे फर्स्ट लेते हैं, ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर वाटर बॉडीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये हमने लाइन पढ़ी, पूरी सेंटेंस ही पूरा पढ़ लिया। फिर क्या, इसको एक बार आप सीधे लर्न कीजिए इसका आंसर, फिर एक बार उल्टे तरीके से आप क्वेश्चन में पूछिए, जैसे कि ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और इन अदर वाटर बॉडीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ग्रीन पैचेस जो पॉन्ड्स में होते हैं, वाटर बॉडीज में होते हैं, फॉर्म होते हैं ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो उन्हें क्या कहते हैं, एल्गे। फिर एक तो ये तो हमारे स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया, एक अब रिवर्स क्वेश्चन। तो जैसे कि नहीं, अब रिवर्स में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि एल्गे ऐसी ग्रीन पैचेस पॉन्ड्स में और वाटर बॉडी में होते हैं जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से वन ऑफ द आइटम्स ऑफ फूड दैट यू नीड टू मेक समथिंग टू ईट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। फूड और फूड के आइटम्स जो हम मिलाकर खाना बनाते हैं तो उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स वो आइटम्स होते हैं फूड के जिनको हम एक साथ मिलाकर बनाते हैं। तो एक स्ट्रेट क्वेश्चन, एक रिवर्स क्वेश्चन। फूड्स कंटेनिंग मिनरल्स एंड विटामिन्स आर ऑफन कॉल्ड फूड, और फूड जिनमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स। तो प्रोटेक्टिव फूड्स किन्हें कहते हैं, जिन फूड्स में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं उनको कहते हैं। तो एक सीधा क्वेश्चन, एक रिवर्स क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे जो आंसर्स हैं आपके वन वर्ड या MCQs, तो इनको आप इजीली लर्न कर सकते हैं, फिलअप्स वगैरह को भी। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, इसको आप, ये जो मैंने आपको टाइम का बताया, प्लेस का बताया, नोट्स का बताया, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं, आप इसको अपनी स्टडी में यूज़ कीजिए। 21 days रेगुलर आप इसे यूज़ कीजिए, आप खुद देखेंगे कि कितना इफ़ेक्टिव है ये। टाइम, प्लेस, सेम टाइम फॉर स्टडी, सेम प्लेस फॉर स्टडी, नोट्स, ये आप टेक्निक्स अप्लाई कीजिए 21 days में, आप खुद मुझे कहेंगे कि हाँ दे आर इफ़ेक्टिव, दे आर रियली इफ़ेक्टिव। तो आई होप कि आपको इन सबसे मदद मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ, कुछ नया आपके साथ शेयर करने। धन्यवाद।